वो वीडियो मैं दूसरे अभी सर ने अपलोड किए हैं वीडियो, आप उसको देख सकते हैं उसके अंदर। और कल से हमारी नई क्लास शुरू हो रही है, वापस लाई आएंगे हम, सारे स्टूडेंट को बताएंगे। मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरे स्टूडेंट है ये बैकअप के स्टूडेंट है, और ये बैकअप के स्टूडेंट को काम करते हुए आप लाइव देख रहे हो आप। मीडियाटेक का सीपीयू ये 67। आप कितने साल पुराने स्टूडेंट थे आप? एक साल पहले आए थे आप। कोविड के सीन में आए थे? यस, कोविड में आए थे हम, सेकंड लॉकडाउन में। सेकंड लॉकडाउन में कोविड में आए थे आप? यस। कोविड में क्या दिक्कत हुई थी आपके साथ? हमारे साथ थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हमको प्रॉब्लम हुआ था। क्लासेस पूरी गवर्नमेंट ने पूरी सारी क्लासेस वगैरह बंद कराई थी हमारे से। अच्छा, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर जो पूरी क्लासेस थी वो पूरी मिल नहीं पाई थी? यस सर। तो इधर अभी आप आए हैं तो एशिया टेलीकॉम कोई अलग से पैसा चार्ज कर रहा है क्या? नहीं सर। अगर लॉकडाउन नहीं भी लगता और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो कोई पैसा चार्ज करता है? नहीं, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो पहले फ़ी दी है उसके बाद एक्स्ट्रा कोई फ़ी नहीं मांग रहे। जो पहले फ़ी दी थी उसी में आपको बैकअप के लिए लाइफ टाइम के लिए बोला है। जब भी आपको प्रॉब्लम है आप सर से कॉल करके वापस आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अलग से पैसा देना है आपको। कोई अभी सवेरे कब से आए हैं आप? अभी सुबह हम 11 बजे आए इधर। 11 बजे आए और अभी टाइम आप देख सकते हो क्या टाइम क्या हो रहा है? 9:30 बज गए सर। 9:27 21:27 मतलब 9:27 हो रहे हैं, यही टाइम हो रहा है ना? यस सर। तो ये बताओ मेरे को कि अभी कोई आपसे कुछ यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट में आप बैठे हैं तो कुछ अलग से चार्जेस वगैरह लिए हैं क्या? नहीं नहीं सर। जैसा आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ, सारे के सारे स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर। यस सर। और कोई अलग से चार्जेस लिए हैं? नहीं सर। कोई बताने में कोई कमी करी है? नहीं सर। समझाने में कोई कमी करी है? नहीं सर, कुछ नहीं। जैसा जिस दिन अगर आप फीस दे के आए थे और वैसे का वैसे ही समझाया जा रहा है कि मतलब कोई कमजोर आपको दिया नहीं जा रहा सर? उल्टा पहले जितना नॉलेज दिया था उल्टा बैकअप में और एडवांस में बता रहे हैं। जो अगला जो हमारा जो लेवल था पहले का अभी का लेवल और उससे बढ़ा के और एडवांस में हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि हम अपडेट होने आए तो अपडेट के हिसाब से अगला स्टेप बता रहे हैं अभी। तो एक ही क्लास में सारी चीज़ें बताई जा सकती है कि कुछ अपडेट नहीं सर? अभी देखो सर, पहले भी एक 30 दिन का क्लास, क्योंकि आपका दिमाग इतना वो नहीं होता है हमारे, तो हम तो 100% देते हैं पर बाकी आप ले नहीं पाओगे उसको। यस सर, हम नहीं ले पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इतना देंगे तो हम कौन सा चीज़ करें और कौन सा रखें ये हम भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। उससे अच्छा धीरे धीरे तरीके से हो रहा है। अभी अभी सारी चीज़ों पर गए आप, सारी चीज़ों पर जाने के बाद सारी चीज़ों को जाने के बाद आपने सब कुछ करा, करने के बाद आपको कुछ बग्स लगे, कुछ एरर लगे, तो फिर उसके ऊपर आप मुझे जो प्रॉब्लम लगी तो उसके ऊपर आप काम? यस सर, उसके ऊपर हमने बहुत सारा भी ये कर दिया कि जितना भी बग्स लगे, कुछ प्रॉब्लम आए हमको, हमने सर को बोला यहाँ अटक रहे, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो सारे सर ने एक ही झटके में हमारा सॉल्व कर दिया। जितना हमने ज़्यादा पूछा सर ने उतना डीपली हमको हर चीज़ का नॉलेज दे दिया। तो जैसे बताऊँ आपके कि जैसे एक साल पहले जब आपने क्लास ज्वाइन की थी, एशिया टेलीकॉम को आपने ज्वाइन किया था एज ए, तुम इसके पहले भी काम कर रहे थे? यस सर। तो एशिया टेलीकॉम को जब 2000 आपने 20 में 21 में जब 21 में आए थे, 21 में आपने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद आपके आपकी इनकम में क्या फ़र्क पड़ा था सर? पहले की और अभी के में इनकम में बहुत फ़र्क, यानी जो जहाँ मैं 100 रुपये कमा रहा था, जो 1000 रुपये कमा रहा, वो हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि मैं वो इनकम में बढ़ोतरी हो गई। इनकम आपकी इंक्रीज हुई है, बड़ी है इनकम? बड़ी है सर, कम तो नहीं होगी ना सर। और अभी जब आपको अब ये आपने 2 या 3 दिन 4 दिन का जो भी बैकअप सपोर्ट लिया, 3 दिन का बैकअप सपोर्ट लिया, अब यहाँ से जाने के बाद और इंक्रीज होगी आपकी? यस सर, अभी और जितना जहाँ अटक रहे थे या जो 100% कस्टमर आ रहे थे उसमें से हमारे पास से 10-20% रिटर्न जा रहे थे। अभी वो एक भी रिटर्न नहीं जाएगा, वो हर सारे कस्टमर हम बना लेंगे, एक भी ऐसा उसका काम ही नहीं रुकेगा जो हम नहीं बना पाएंगे। एशिया टेलीकॉम के जो CEO है मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि
आपको इन केस कभी भी अगर एशिया टेलीकॉम की आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो एशिया टेलीकॉम आपके लिए सपोर्ट में कभी आपको मना नहीं करेगा। यस सर। तो आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा जब सपोर्ट के लिए आया तो? नहीं सर, कोई नहीं, हमने खाली आपको बोला कि ये प्रॉब्लम हो रही है सर, यहाँ अटक रहे, तो डायरेक्ट बोले कि आपको जब टाइम है बैग उठाओ लेके आओ। हम कॉल किया सर, हमको टाइम है, आपने बोला कि आ जाओ। आपसे ट्रेन का टिकट मंगा था? नहीं नहीं सर, ट्रेन का टिकट मंगाया कि कौन से तारीख को आ रहे, खाली बताना था। है ना, ये बताया, ये आपसे पूछा। और जब आप अगर यहाँ आ रहे हो तो आपको ट्रेन का टिकट सेंड कर दो ताकि हमारी बैच को हम सेट कर दें। यस सर, वही हिसाब से हम सेटअप लगा ले, आप आ रहे बोल के वही हिसाब से कर दे। और ये बताइए मेरे को कि यहाँ जब आपने अभी बैकअप में आया तो कोई चीज़ आपकी छूट रही है क्या? नहीं सर, अभी तो कोई छूट नहीं, अभी जितना हमको कंफ्यूज। और इन फ्यूचर ये अपन, आपने 2021 में पढ़ा, 2022 में बैकअप लेने आया, बैकअप के लिए आपको सपोर्ट मिल रहा है, इसके बाद अगर 2023, 25 या 26 आता है, अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या फीडबैक है तुम्हारा? तो मैं आपको बुलाऊंगा कि नहीं बुलाऊंगा? यस सर, आप बुला लेंगे हमको जब भी ज़रूरत है। अभी देव सर भी उस दिन आके मिल के गए कि हम आए अपडेट के लिए, सर ने भी बोला आगे भी इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ी एशिया टेलीकॉम के हमारे लाइफ में तो हम बेझिझक इधर आके आ जा सकते। खाली इधर आने के बाद अपने को रहने का और खाने का खर्चा करना है, बाकी सब फ्री रहने है। खाने का आपका रहेगा, बाकी अगर यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट में आते तो किसी प्रकार का कोई आपसे कोई नहीं, नहीं कोई फीस नहीं है सर। तो अगर जैसे एक बच्चा आता है, वो बच्चे का क्वेश्चन ये ऑलवेज हमारे से ये होता है कि सर क्या मैं 30 दिन में सब कुछ सीख पाऊंगा क्या? तो थोड़ा सा आप अपना, आप पढ़ के गए हो, बच्चा लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं, तो लाइव अपनी चीज़ों को शेयर करो कि मतलब 30 दिन में क्या होता है। सर 30 दिन में कैसा है, जो बच्चा को पहले थोड़ा नॉलेज है, पहले पढ़ा है, उसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो नए बच्चे या कोई भी रहने दो, 30 दिन में ऐसा डायरेक्टली इंजीनियर नहीं बन पाएगा, उसको खुद का एक्सपीरियंस चाहिए, एक उसको रास्ता मिल जाएगा, वो हिसाब से वो काम कर लेगा, जहाँ जहाँ अटकेगा उसके बाद तो एशिया टेलीकॉम है। लेकिन एक उसको समझ में आएगा कि आप काम क्या कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है फ़ोन में तो उसको डिडक्ट करने का या उसको समझने का उसको वे मिल जाएगा कि आपने को ये सिखाया। पहले तो नोटबुक है, थ्योरी मिलती है, वो थ्योरी के हिसाब से बहुत सारा ये हो जाएगा। अच्छा ये अच्छा ये बताओ मेरे को कि अगर एक बच्चा, अगर कोई फ्रेशर अगर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता है, सपोज इनने 12th या अपना डिग्री उनने कंप्लीट करी है, और अगर फ्रेशर बच्चा अगर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता है तो उसका क्या रहेगा? सर वो 100% सीख के ही जाएगा, जो नया फील्ड ये फील्ड में आ रहा है, डिग्री कंप्लीट की है, उसको करियर बनाए और ख़ुद के बिजनेस में अच्छे से सेट होना है, तो वो बच्चा आराम से यहाँ पे आके सीख के अपना बिजनेस सेट कर सकता है। तो इस लाइन में पैसा है कि नहीं है? यार सर ये लाइन जिंदगी में कभी बनने होने वाली, आदमी का मोबाइल 10 मिनट अगर इधर खो जाए तो आदमी जैसे कि उसका कुछ बड़ी चीज़ अपने से दूर हो गई है, यानी ये मोबाइल लाइन जिंदगी में कभी बनने होने वाली। मतलब एक बार पत्नी बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं कराएगा, मोबाइल जरूर सुधराएगा। यस, लेकिन कैसे आदमी को जैसे अभी खाना पानी ये चीज़ें चाहिए, जरूरी है जरूरी, वैसे मोबाइल जरूरी है, उसके बिना तो रह नहीं सकते। अनिवार्य आवश्यकताओं में ले सकते हैं? यस सर, मोबाइल को अनिवार्य आवश्यकता में ले सकते, नहीं है ही अभी, ऑलरेडी है ही वो। अच्छा, तो एक शब्द में खाली पूछना चाहूँगा आपसे कि एशिया टेलीकॉम के लिए तुम्हारा क्या फीडबैक है? मेरा एशिया टेलीकॉम के लिए फीडबैक है द बेस्ट, नंबर वन तो पहले से ही है, लेकिन इसके जैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि हमने पास से देखा, अभी दूसरा टाइम है मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ के टीचर, यहाँ का सब माहौल अलग ही है। और बाकी इंस्टीट्यूट में तो आपको मालूम है कि अलग बैकअप जाएंगे तो पैसा मांगे, हर चीज़ के लिए पैसा है, इधर नॉलेज एक बार पैसा भरो बाद में लाइफ टाइम नॉलेज लेते रहो। और अच्छा यहाँ पर जो टीचरों का स्किल है, टीचरों का स्किल की बात करूँ तो क्या खाली एक ही टीचर सब चीज़ें पढ़ाता है क्या? नहीं, हर चीज़ का हर चीज़ के लिए अलग टीचर स्पेशलिस्ट है, हर चीज़ के लिए। यस सर, है ना, मैं हार्डवेयर की बात करूँ, सॉफ्टवेयर की बात करूँ, EMMC की बात करूँ, मतलब हर सेक्शन के लिए जो पर्टिकुलर टीचर है कि नहीं? यस सर, हर चीज़ के लिए अलग टीचर है। आपको अगर आईसी निकालना हो, लगाना हो, अगर उसका प्रैक्टिकल कराना हो और आपको समझाना हो, समझाने के लिए देवरतन अग्रवाल से कोई बढ़िया टीचर है क्या? नहीं, पूरे इंडिया की बात करूँ मैं तो, पूरे इंडिया में उनके जैसा मोबाइल का नॉलेज वाला कोई टीचर नहीं, जो बिना कोई बुक लिए, कोई भी बुक उनके हाथ में नहीं रहती, वो आदमी खड़े खड़े रह के पूरे आईसी का डायग्राम, वो आईसी 100 बॉल की हो, 15 बॉल की, 12 बॉल की हो, खड़े खड़े बताएंगे। 7-7 घंटे कंटिन्यू क्लास दिए, आपको एनर्जी में कमी आई है कभी? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी, उल्टा उनको देख के हमारे जैसे आदमी को, ये लड़कों को एनर्जी ज़्यादा आएगी, वो इतना जोर से पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा।
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।